हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो माय टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं और दिखाऊंगा कि यूटीआई पीएसए पैन कार्ड का एजेंट का सेल्फ रजिस्ट्रेशन आप कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपका जो आईडी और पासवर्ड, सबसे पहले आपका आईडी पासवर्ड डिफॉल्ट होता है, यानी कि जो आईडी होता है वही पासवर्ड होता है। आपके पास आईडी और पासवर्ड जाएगी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूटीआई पीएसए पैन कार्ड का आईडी लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सैम्पल में अपना यूटीआई पीएसए पैन कार्ड का आईडी यहाँ पर लॉग इन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है पासवर्ड चेंजेस करनी होगी, जो ओल्ड पासवर्ड, यानी कि आईडी और पासवर्ड सेम है तो आपको ओल्ड पासवर्ड टाइप करना है, या पर आपको न्यू पासवर्ड टाइप करना है, या पर कंफर्म पासवर्ड भी आपको टाइप करनी है। तो सिंपली हम यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड टाइप कर देंगे और यहाँ पर जो है न्यू पासवर्ड भी हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड में हमें यूज़ करना है क्या क्या, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और मैक्सिमम जो है 5 कैरेक्टर हमको यहाँ पर यूज़ करना है। मिनिमम 5 कैरेक्टर यूज़ करना है, मैक्सिमम जो है आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और आपको नंबर भी यूज़ करना है और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करना है। हम यहाँ से साजिश फास्ट वास्ट जो है वो स्ट्रांग होता है तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे सैम्पल यहाँ पर। तो आप यूज़ कर सकते हो सजेस्ट पासवर्ड, लेकिन आप अगर खुद बनाएंगे तो बेटर होगा। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको पासवर्ड याद रखना है। देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो जब आप अपने सेल्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको याद रखना है कि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल में जाके अपना ईमेल आईडी एक बार चेक करनी है। ईमेल आईडी अगर आपका सही तरीके से होगा, यानी कि आपका ईमेल आईडी, मैंने यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर दिया, ईमेल अगर आईडी अगर आपका सही होगा तो आप जो है पासवर्ड फॉरगेट खुद कर सकते हो। आपको जो है एडमिन के पास, यानी कि जिससे आप आईडी ले रहे हो उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है उसका वीडियो जो है नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपने आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा आईडी लॉगिन हो चुका है। तो सिंपली अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एक बटन है, यानी कि यहाँ पर जो है ब्लू कलर का एक लेटर है, इसमें हमें क्लिक करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये नॉट रजिस्टर विद UTIITSL। तो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इसमें हमें क्लिक करनी है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को रीड करना है। अगर आप रीड कर चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आई एग्री करके आपको सैम्पलिंग कर देना है सबमिटेड। तो यहाँ पर आपको मिला लेना है सारा डिटेल्स, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट पर्सनल नेम, यहाँ पर आपका लोकेशन जो सेंटर है, स्टेट, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पर जो है मैं जो भी डिटेल्स डाल रहा हूँ ये सब डेमो डिटेल्स है। तो ये यहाँ पर मैं डेमो डिटेल्स यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो इसका बाद आप अपने सही से अपना डिटेल्स भरेंगे। भरने के बाद आपको सैम्पली क्या करना है, सबमिट करनी है। ईमेल आईडी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ईमेल आईडी अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर लीजिएगा। इसका बाद ये सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे और इसका बाद आपका, यानी कि आपका यूटीआई पीएसए पैन कार्ड का एजेंट आईडी आपका रजिस्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सेल्फ रजिस्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर चेंज प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पर भी आप अपने प्रोफाइल डिटेल्स को एडिट कर सकते हो, अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। तो अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हो। और एक मैं चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूटीआई पीएसए आईडी चाहिए, यहाँ पर चेंज पासवर्ड भी कर सकते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर यूटीआई पीएसए एजेंट आईडी चाहिए, एजेंट हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी वीडियो का। उस वीडियो को देख लीजिए और अपना पीएसए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपना काम को जो है बहुत सारे अर्निंग कर सकते हो आप इसमें काम करके। और हमारा चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर दीजिए कि इसका बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।